नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल सेक्टर की रफ्तार क्यों तेजी से बढ़ रही है, 2020 तक कितनी नई सप्लाई मार्केट में आ जाएगी, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के सेंटिमेंट में कितना सुधार होगा ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। रेरा का एक साल पूरा हो गया है तो उसका रिपोर्ट कार्ड तो हम आपके सामने रखेंगे ही, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का प्रोग्राम। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि एनसीआर के किन इलाकों में कितनी सप्लाई बढ़ेगी और इसका कितना फायदा मिलेगा। 17 अप्रैल 2018 ये वो तारीख है जब नोएडा ने 43वें साल में प्रवेश किया और अपने 42 साल में अगर देखा जाए तो इसने खूब उतार चढ़ाव देखे, खूब विकास हुआ। खासकर पिछले 20-25 सालों में नोएडा ने विकास की, कई इमारतें बुलंद की, सड़कों से लेकर सेक्टरों और गांवों तक की सूरत बदल गई। नोएडा में जिस तरह रेजिडेंशियल सेक्टर का विस्तार हुआ, कमर्शियल सेक्टर को भी तेजी से बढ़ने में मदद मिली। सस्ती जमीन की वजह से यहाँ कमर्शियल सेक्टर की रफ्तार को बल मिला। बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर ऑफिसेस खोले और रोजगार के अवसर पैदा किए। रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन में काफी तेजी से इजाफा हुआ। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में नोएडा में फ्लैट की डिलीवरी की रफ्तार बढ़ेगी और जिसका सीधा फायदा कमर्शियल सेक्टर को भी मिलेगा। जनवरी से मार्च की तिमाही के आंकड़े की तरफ देखा जाए तो नोएडा में करीब 1.01 मिलियन स्क्वायर फीट का एब्जॉर्प्शन रहा, जिसमें 25% हिस्सेदारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की रही, जबकि 20% फाइनेंशियल सेक्टर का योगदान। 2018 से 2020 तक नोएडा में नए ऑफिस की सप्लाई 13 मिलियन स्क्वायर फीट होगी, यानी कि कुल सप्लाई में 44% का इजाफा। ओवर द इयर्स लोगों ने रियलाइज किया कि नोएडा इज अनदर गुड डेस्टिनेशन फॉर ऑफिस स्पेस, जहाँ पे एक रीजनेबल रेंटल पे ऑफिस स्पेस आपको मिल जाता है, वेदर इट इज आईटी स्पेस और कॉर्पोरेट स्पेस। तो जैसे जैसे आईटी स्पेस और कॉर्पोरेट स्पेस बन रहे हैं, दे आर बीइंग मोर मेजरली ऑक्यूपाइड बाई ऑल द प्लेयर्स राइट नाउ। अगर वहाँ पे जॉब्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑफिस बनेगा, तो उनको सारी सर्विसेज चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, शॉपिंग के लिए शॉपिंग सेंटर चाहिए, तो ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ उससे होती है।